Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So, today we are going to have a fast track revision of corporate finance uh, subject MCOM semester 2 part 1. And in this uh, lecture, we are going to revise three topics. The topic number one will be introduction to financial management, the topic number second is ratio analysis, that is the Part related with your financial analysis, and the topic number third will be business risk and financial risk, which will be also related with the leverages. So, three topics we are going to revise in this today's session, and you will be getting a same type of session tomorrow. And in the tomorrow session, we will be discussing the remaining topics. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स सो हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज को डिस्कस कर लिया है सिक्स वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए है तो so अगर आपने वो अभी तक नहीं चेक किए तो वो सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखे बिकॉज उसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया है सभी का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा वहां से आप सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं तो अस स्टार्ट टूडे सेशन एंड वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द थ्री टॉपिक्स तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट टॉपिक जो है आपका दैट इज इंट्रोडक्शन टू दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां से बेसिकली जो मेजर मेजर पॉइंट्स है जो अभी हम इस सेशन में रिवाइज करेंगे बेसिकली आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एम सी क्यूज बेस पे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी बिगिन विद डिस्कसिंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट कंसर्न लेटस डिस्कस वॉट इज द रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक पर्सन होगा जो पर्सन को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए और ये जो पर्सन है फाइनेंशियल मैनेजर ही बेसिकली six three टाइप्स ऑफ डिसीजंस तो पहला जो डिसीजन वो लेता है वो होता है फाइनेंसिंग डिसीजंस व्हाट इज द फाइनेंसिंग डिसीजंस मतलब हम कहाँ कहाँ से पैसे लाएंगे हम कहाँ से पैसे लाएंगे दैट इज द इंपॉर्टेंट डिसीजंस कितना शेयर्स को इशू करेंगे हम तो ये सारी चीजें आपकी फाइनेंसिंग डिसीजंस में कवर होती है सेकंड जो होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वेयर वी विल बी इन्वेस्टिंग जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है कैपिटल बजटिंग सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अवेलेबल एंड फ्रॉम दैट ऑप्शन विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कंपनी वी आर यूजिंग वेरियस मेथर्स फॉर आइडेंटिफाइंग सच ऑप्शन एंड दैट टोटली रिलेट्स विद द कैपिटल बजटिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीशन में कवर होंगे तो कोई भी जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है उसे हमेशा तीन टाइप के डिसीशंस लेने पड़ते हैं फर्स्ट हमने देखा फाइनेंसिंग डिसीशन सेकंड हमारा है इन्वेस्टमेंट डिसीशंस और तीसरा और आखिरी डिसीशन लेना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड एज डिविडेंड डिसीशंस कि कितना परसेंट डिविडेंड देना है कितना परसेंट अप्रोप्रिएट होगा जो हमारे शेयर होल्डर्स है उत, उनको कितना रिटर्न्स देना है

इन्वेस्टमेंट डिसीशन फाइनेंसिंग डिसीशन एंड दिवीडेंट डिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइल रिमेम्बरिंग द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकॉज पेपर में ऐसे टाइप से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं तो एमसीक्यूज कैसे पूछे जाएंगे ऑलरेडी मैंने सेशन बना दिए है अब लास्ट मोमेंट में हर चैप्टर के जो बेसिक बेसिक क्रक्स है उसको कैसे रिवाइज करना है वॉट आर द मेजर पॉइंट्स यू शुड रिमेम्बर फॉर द एग्जामिनेशन सो दैट यू कैन हैव अ रिविजन अबाउट द कंसेप्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो इसके लिए ये सेशंस आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे तो अगर हम uh, आगे की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजर के बेसिस पे हमने तीन टाइप के डिसीशंस तो देख लिए अभी तीन टाइप के डिसीजंस देखने के बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है और वो होता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कौन सा कंसेप्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकेंड कंसेप्ट है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है नंबर वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर सेकेंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ट फिनांस में ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो वी हैव टू ऑब्जेक्टिव आर हैविंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड विच आर द टू ऑब्जेक्टिव नंबर वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड नंबर सेकेंड इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेकिन अगर हम आ, बात करें मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पे या मॉडर्न टर्म्स के बेसिस पे तो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव कौन सा माना जाता है मॉडर्न ऑब्जेक्टिव माना जाता है आपका वेल्थ मैक्सिमाइज करना ठीक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऐसे दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है लेकिन अगर हम मॉडर्न ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मॉडर्न ऑब्जेक्टिव कौन सा है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं उनका वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो सके उन्हें अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स मिले जो कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगा उसके बेसिस पे उसका फायदा शेयर होल्डर्स को भी होगा और शेयर होल्डर्स का वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज ऑटोमेटिकली हो जाए तो आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है तो दो मेजर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया वन इज कॉल्ड एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लेकिन मॉडर्न ऑब्जेक्टिव कौन सा है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना यही मॉडर्न ऑब्जेक्टिव माना जाता है काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ध्यान से याद रखना तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिकॉज अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और उसके बेसिस पे हम उस पैसे को हमारे शेयर होल्डर्स को किस तरीके से रिटर्न देंगे ऑल दोज पॉइंट्स मैटर्स अ लॉट तो इतनी चीज़ें आपको आपके फर्स्ट टॉपिक में ध्यान रखनी है विच इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें आपके बुक्स में थियोरी बेस पे दी है वैसे तो आप बुक्स के पीछे के एमसी तो पढ़ते ही हो लेकिन अगर आप हर चैप्टर के बेसिक रक्स को जाने एवरी टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट uh, को समझ ले तो किसी भी टाइप के बेसिस पे आपको एम पूछे जाए यू विल बी वेरी यू कैन अटेम दोज बेसिकली एम सी क्यूज इन अ सिंपल वे सो यू कैन अटेम्प्ट सच काइंड ऑफ एम सी क्यूज इजीली इसीलिए ये सारे कंसेप्ट को हम रिवाइज कर रहे हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है अगर हम बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैग्जिमाइज तो कौन से कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो ये ध्यान से आपको याद रखना है ठीक है चलो अगले फॉर्म में जाते हैं अगला जो चैप्टर है हमारा दैट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इस चैप्टर का प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से आपको बहुत सारे एम सी की उस पेपर में देखने मिलेंगे एंड दैट विल बी द टॉपिक कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस तो अभी अगर हम इस टॉपिक को देखें फाइनेंशियल एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मेजर तो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी हेल्पफुल टॉपिक है और एग्जामिनर यहां से बहुत सारे आपको पेपर में पूछ सकता है इसलिए वो आपको ध्यान रखना है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें सो वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रेशोस नंबर वन पहला रेशो होता है प्योर रेशो प्योर रेशो का मतलब सिंपल है अगर हम किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर लेते हैं तो वी आर गेटिंग आंसर

financial ratios, so we need to understand all the ratios and you should be very much comfortable with the formulas of all the ratios. formulas are very, very important from this chapter, so don't put any formulas in option because uh, the examiner can ask you some kind of questions which will tell you to calculate some of the ratios and if you are not knowing how to calculate the ratios, if you are not knowing the formulas, unless and until you are knowing the formulas, you cannot calculate the ratios as concerned. सो लेटस स्टार्ट विद द पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद बैलेंस शीट रेशोज तो आपको सभी को ये ऑलरेडी पता है हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे ताकि बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी इजिली रिवाइज हो सके सबसे पहला आपका रेशो होता है करंट रेशो करंट रेशो एवरीबडी नोस वेरी वेरी सिंपल बिकॉज करंट रेशो में ही आपका फॉर्मूला छुपा हुआ है दैट इज कॉल्ड करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक है और वो है क्या है वो एंड दैट इज स्टैंड स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड देखो क्या है स्टैंडर्ड याद रखना करंट रेशो का स्टैंडर्ड क्या है टू इज टू वन तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको स्टैंडर्ड भी पेपर में पूछा जा सकता है कि करंट रेशो का स्टैंडर्ड बताइए या फिर करंट असेट दिया रहेगा करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करे कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन भी मैंने एमसीक्यूज में आपको सिखाए है, है कि हाउ टू कैलकुलेट कैल्कुलेट वैल्यूज इफ वन और द अदर पॉइंट आर गिवन टू यू एंड फॉर दैट पर्पज यूर फॉर्मूलाज शुड बी वेरी मच क्लियर सेकेंड रेशो जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द लिक्विडिटी रेशियो जो लिक्विड पोजीशन कंपनी की दिखाता है दैट इज कॉल्ड एज द करंट क्विक रेशियो क्विक रेशियो बोल सकते हैं लिक्विड रेशियो बोल सकते हैं या फिर उसको हम तीसरे नाम से जानते हैं कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो तो क्विक रेशियो लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट वी विल टेक द क्विक असेट्स एंड वी विल डिडेड बाई क्विक लाइबिलिटीज इसका भी एक स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड है आपका वन इज टू वन

शेयर होल्डर फंड्स को अगर हम प्रोपराइटर्स फंड से डिवाइड करते हैं और उसको हम टोटल असेट्स से टोटल uh, असेट्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो हमको शेयर होल्डर फंड्स के बेसिस पे प्रोपराइटर रेशो uh, मिलता है मतलब कंफ्यूज ना हो आपको देखो शेयर होल्डर को डिवाइड नहीं मैंने आपको बोला शेयर होल्डर को टोटल असेट्स से डिवाइड करना है शेयर होल्डर फंड्स का दूसरा नाम क्या होता है शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपराइटर्स फंड्स तो हाउ डू वी कैलकुलेट शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स तो विल गेट द आंसर एज प्रोप्राइटरी रेशियो दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर फंड एंड इफ द शेयर होल्डर फंड इज डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स इन टू हंड्रेड विल गेट द आंसर एज प्रोप्राइटरी रेशियो तो ये प्रोपराइटरी रेशियो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है नेक्स्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वेन एवर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डन इन द कंपनी इफ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन रिलायंस सो आई विल बी चेकिंग फर्स्ट द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ रिलायंस तो वॉट डज द डेट इक्विटी रेशियो इज शोइंग द डेट इक्विटी रेशियो इज शोइंग दैट हाउ मच डेट द कंपनी हैज टेकन तो कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रैक्टिकल लाइफ में भी डील करता है मैं अगर आप आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं क्या आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे जो कंपनी में ऑलरेडी कंपनी कर्जे में डूबा है तो आप कहेंगे नो ऑब्वियसली नॉट भले आपको फंडामेंटल एनालिसिस का कोई भी नॉलेज नहीं है भले आपको कोई भी चीजें पता नहीं है रेशियोज़ के बारे में देन ऑल्सो यूल टेल कि अगर खुद ही कंपनी भी कर्जे में डूबा है तो हमको रिटर्न कैसे देगा इसीलिए यूजअली इन्वेस्टर्स check this kind of ratio that is called as a debt equity ratio and debt equity ratio is what debt upon the equity and here equity is nothing but equity ka yahan pe matlab hai shareholders funds so I hope this question the uh, ratios are clear to all of you if this much is clear to all of you just uh, tell me in the comment section comment में आप comment कर सकते हो जल्दी जल्दी comment करे ताकि कोई भी अगर आपकी queries आते हैं तो मैं वो queries solve करने का try करूँगा तो basically हमने अभी तक balance sheet ratios को cover up कर लिया है बैलेंस शीट रेशोज में क्या क्या चीजें आती है आपकी बैलेंस शीट रेशोज में आपके करंट रेशो लिक्विड रेशो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशो प्रोप्राइटरी रेशो डेट इक्विटी रेशियो और अगला है हमारा कैपिटल गियरिंग रेशो कैपिटल गियरिंग रेशो का भी सिंपल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको फॉर्मूला सारे के सारे जो है वो रिवाइज करने पड़ेंगे तो कैपिटल गियरिंग रेशो इज द कैपिटल गियरिंग रेशो का फॉर्मूला प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स तो आई हैव सिंप्लीफाइड एवरीथिंग इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तो दैट इज द पॉइंट दैट इज कैपिटल गियरिंग रेशियो तो दीज आर द बैलेंस शीट रेशो विच वी हैव लर्न and you need to understand every ratios and the applicability of that ratios तो so, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो so, आपको एम सी की उसमें एक दूसरा भी पॉइंट पूछा जा सकता है जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ देखो करंट रेशो की अगर हम बात करें तो करंट रेशो जो है करंट रेशो इज शोइंग द पोजिशन ऑफ द कंपनी एंड इट शोज द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द कंपनी करंट रेशियो तो कौन सा पोजीशन दिखाता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को डील करता है रिवील करता है तो करंट रेशियो इज शोइंग द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द कंपनी इफ यू सी द लिक्विड रेशियो और द क्विक रेशियो लिक्विड और क्विक रेशियो इज शोइंग वॉट लिक्विड और क्विक रेशियो इज शोइंग द इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द कंपनी मतलब अभी तुरंत अगर पैसा देना है किसी को तो कौन सा रेशियो डील करेगा वो लिक्विड रेशियो है कि आपके पास इनफ कैश है या नहीं दैट इज वाई इट शोज द इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजिशन ऑफ द कंपनी नेक्स्ट इज द स्टॉक वर्किंग कैपिटल प्रोप्राइटरी वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो दिस इज द बैलेंस शीट रेशियोज विच वी हैव स्टडीड लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज तो प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी रेशियोज है या इनकम स्टेटमेंट के जितने भी रेशियोज है उसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू टेक द डिनोमिनेटर सेम जितने भी रेशियोज आपके प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट में आएंगे सारे के सारे पॉइंट्स में आपको डिनोमिनेटर जो है वो सेम रखना है एंड दैट विल बी नेट सेल्स एवरी पॉइंट विल बी रिलेटेड विद योर नेट सेल्स एंड वी विल बी द पार्ट रिलेटेड टू योर परसेंटेज दैट मीन्स

प्लस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड हियर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स द थ्री एक्सपेंसेस यू ऑलरेडी नो दैट नंबर वन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नंबर सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर थर्ड इज फाइनेंशियल कॉस्ट तो इन तीनों एक्सपेंसेस को एड करके हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेंगे एंड वी विल बी आइडेंटिफाइंग हाउ मच परसेंटेज इट्स रिलेटेड विद योर सेल्स दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस रेशो तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड बाय नेट सेल्स इन टू हंड्रेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इन ऐसे आपको हर एक जो आपके एक्सपेंसेस है उसका रेशो कैलकुलेट आप कर सकते हो एंड वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एक्सपेंसेस नेट सेल्स के कंपैरिजन में कितना है नेक्स्ट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हैव टू टेक बिफोर टैक्स हैव टू कंसिडर उसको नेट सेल से डिवाइड करना है और इन 100 हंड्रेड भी आपको करना है बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट एवरी पॉइंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स एंड इट विल बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज अस मूव टूवर्ड्स नेट प्रॉफिट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट

चैट बॉक्स में क्लियर ऐसा रिप्लाई करे एवरी वन आई वॉन्ट योर रिप्लाई आई एम सीइंग योर रिप्लाईज अगर आपको इतना अभी तक बताया हुआ क्लियर है तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में क्लियर ऐसा रिप्लाई करे ताकि हम आगे बढ़ सकें चलो कमेंट्स आपके आने शुरू हो चुके हैं यस वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू चलो बढ़िया है सबको क्लियर हो रहा है सो दैट्स गुड दैट्स गुड चलो वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू तो सबका कमेंट आ रहा है अभी सबको क्लियर हुआ है तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ रेशियो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर बैलेंस शीट रेशियोज एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियोज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को कंबाइंड करके ये रेशियोज बनाए हैं एंड दिस टाइप ऑफ रेशियोज आर कॉल्ड एज कंसॉलिडेटेड रेशियोज या कंबाइंड रेशियोज दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो ध्यान से समझो सबसे पहला रेशो है आपका टर्न का स्टॉक टर्न मैंने सारे को लाइन से ही लिया है स्टॉक नंबर डेटर्स और क्रेडिटर्स ये जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो पी आपको मिलेगा ऐप आप के अंदर टेलीग्राम पे चैनल है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम और प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वहां से डाउनलोड करके जुड़ जाइए ताकि अगले जो पॉइंट्स है ये पी जो है वो आपको वहां पर फ्री में शेयर में कर पाओ स्टॉक टर्न ओवर रेशियो सीओ जी एस डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक वॉट डू मीन बाई सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हमें एवरेज स्टॉक से डिवाइड करना एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज स्टॉक इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल कैलकुलेशन दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई टू

प्लस क्लोजिंग डेटर्स बट यहाँ पे हमें डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल्स को भी कंसिडर करना है एंड इफ वी कंसिडर बिल्स रिसीवेबल देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड वी विल बी टेकिंग द एवरेज ऑफ द एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल दैट इज वाई वी आर डिवाइडिंग बाई टू तो इसको आपको डिवाइड करना है टू के साथ नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स टर्न ओवर इट्स सिमिलर टू डेटर्स टर्न ओवर रेशियो थोड़ा सा चेंज है वहां पे हमने नेट क्रेडिट सेल्स देखा था यहाँ पे आपका नेट क्रेडिट परचेजेस आएगा और वहां पे हमने एवरेज अकाउंट्स रिसिवेबल्स देखा है यहाँ पे आपका एवरेज अकाउंट्स पेएबल्स आएगा सिमिलर पॉइंट से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है नेक्स्ट रेशियो देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का शॉर्ट फॉर्म अगर देखें तो दैट इज आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आप कितना कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में उसके बेसिस पे आपके रिटर्न्स कितने हैं

तो आपका फॉर्मुला काफी सिंपल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो हाउ डू वी कैलकुलेट एनपीबीआईटी इट्स ऑलरेडी मैंशनड ओवर हियर नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन प्रोपराइटर्स फंड्स तो हाउ डू वी कैलकुलेट दैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रोपराइटर फंड्स इनटू हंड्रेड तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम प्रोपराइटर फंड से डिवाइड कर लेंगे और इनटू हंड्रेड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट इज आर ओ दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी तो आपका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है हाउ डू वी कैलकुलेट दैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई पेड अपक्विटी शेयर कैपिटल इन टू हंड्रेड बिकॉज इट इज रिलेटेड विद योर परसेंटेज सो वॉट पॉइंट यू आर गोइंग टू टेक ओवर हियर पेड अपक्विटी शेयर कैपिटल में हम क्या लेंगे अगर कोई आपको क्वेश्चन में कॉल एरियर्स वगैरह दिया है तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा एंड डिडक्ट uh, करने के बाद जो आपके पास बचेगा दैट विल बी योर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल नेक्स्ट हमारा है अर्निंग पर शेयर जिसको हम कहते हैं ईपीएस कि हमको एक शेयर पे कितना रिटर्न्स मिल रहा है कितना हमारा अर्निंग पर शेयर है जिसको हम ईपीएस के बेसिस पे जानते हैं एंड द फॉर्मूला रिमेन सेम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाउ मच शेयर्स यू आर हैविंग तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा तो दैट विल बी योर ईपीएस कॉल्ड अर्निंग पर शेयर नेक्स्ट इज डेट सर्विस रेशो डेट सर्विस रेशो का फॉर्मूला है एनपीबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड एनपीबीआईटी कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट रेशो तो आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है कंपनी आपको डिविडेंड कितना दे रही है उसके लिए ये रेशो कैलकुलेट होता है डिविडेंड पर शेयर तो कंपनी डिविडेंड पर शेयर कितना देने वाली है और आपका ईपीएस कितना है अर्निंग पर शेयर तो दैट इंडिकेट द डिविडेंड पे आउट रेशो चलो दैट इज द चैप्टर नंबर सेकेंड तो हमने फर्स्ट टॉपिक रिवाइज कर लिया है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकेंड टॉपिक हमारा हो चुका है जो जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट में क्या क्या चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है वो सारी चीज़ें चीज़ें हम इसमें सीखेंगे एज़ वेल एज एम जैसे आते हैं जैसे पूछे जाते हैं वो तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं वो वीडियोज़ को भी ध्यान से देख लें जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक मैंने सिक्स वीडियोस एम के अपलोड कर लिए हैं तो यू कैन चेक दैट वीडियोस आपके बहुत सारी चीज़ें वहां से भी रिवाइज हो जाएगी सो लेटस मूव टूअर द थर्ड टॉपिक एंड द थर्ड टॉपिक इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क लीवरेज तो ये लीवरेज इसका टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैसे कि आप जानते हैं बहुत है, दो टाइप के कॉस्ट होते हैं फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वही बताऊँगा एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द टॉपिक तो ये क्रक्स देखना है आपको सबसे पहले और ये क्रक्स के साथ आपको एनालाइज करना है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को तो हम वो सारे चीजें डिस्कस करेंगे कि लिवरेज में आपको क्या क्या चीजें प्रैक्टिकली भी पूछे जा सकती हैं तो आई हैव ऑलरेडी सॉल्व सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ लीवरेज तो इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट जो एम सी की उसके से, 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 सेशंस लिए थे उसमें सारी चीजें मैंने करवाई है देखो लीवरेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मेट है ठीक है क्या है ये फॉर्मेट ये जो अभी हम देख रहे हैं ये फॉर्मेट जो है दैट फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ लीवरेज वी नो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लिवरेजे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड सो इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी लीवरेज दिस फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेस एन एंटिल यू नो दिस फॉर्मेट यू कैन नॉट सॉल्व एनी काइंड ऑफ लीवरेज सो लेटस सी व्हाट इज द फॉर्मैट स्पेसिफाई सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स so, हम क्या लिखने वाले है? पहले हम सेल्स लिखेवर सेल्स इन द क्वेश्चन सेवर हियर आफ्टर दैट वी विल बी डिडक्टिंग द वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम द सेल्स तो हम क्या करेंगे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे सो इफ वी डिडक्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन तो आप कहेंगे सर ये तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी पढ़ा था कि सेल्स uh, में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है देखो दो टाइप के कॉस्ट आप जानते ही है ऑलरेडी एक होता है वेरिएबल कॉस्ट कॉस्ट और एक होता है फिक्स तो ये दोनों के दोनों कॉस्ट आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएंगे तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इफ यू डू यू विल गेट द आंसर एज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट यू डू यू विल गेट देंसर एस ई बी आई टी अब यहां से जो फॉर्मेट है

अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फ्रॉम दिस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आप ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अगर आप इंटरेस्ट को डिडक्ट कर लेते हो सब्सट्रैक्ट कर लेते हो तो आपको आंसर मिलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब रहा सवाल ये सर हाउ टू कैल्कुलेट दिस इंटरेस्ट इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन So, what is the answer for this?, uh, we will see from the question if you are having any kind of debt, we are having any kind of debentures. Say, for example, we are having ten percent loan, so ten percent loan may what is the amount of the loan? check the amount and calculate ten percent and on that we will get the answer, and that will be your interest. If the ten percent is debentures, five percent is debentures, then the five percent or ten percent whatever is specified in the question, that will be your. इंटरेस्ट सो आफ्टर डिडक्टिंग दी इंटरेस्ट फ्रॉम दी आई टी तो ई बी आई टी इज वॉट ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट यूल गेट दिस एंसर इज कॉल्ड एज पीबीटी पीबीटी इज वॉट इट्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पीबीटी का मतलब क्या होता है पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर आप कैलकुलेट करोगे टैक्स ठीक है वट एवर आंसर यू आर गेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके ऊपर है एंड परसेंटेज इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन यूर एवरी क्वेश्चन से फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी परसेंट आपको दिया है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट विल बी फाइव थाउजेंड तो सिमिलर विल बी योर फाइनल आंसर दैट विल बी ऑर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टेन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड विल बी ऑर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड

What we have to do? From the profit after tax, we have to deduct the preference dividend, and whatever answer we get, this is our final answer, and that is the earnings to equity shareholders. Now, one question you might get in mind, sir, if we are not having preference dividend, then what to do? तो इफ यू आर नॉट हैविंग प्रेफरेंस डिविडेंड देन वॉट एवर वैल्यू इज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो जो भी आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू बन जाएगी तो उसमें कोई कैल्कुलेशंस ज्यादा नहीं होते अब हम देखते हैं कि लीवरेज कितने टाइप के होते हैं नंबर वन होता है आपका फोस्ट लीवरेज एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीवरेज फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई बी आई टी सो कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज ऑपरेटिंग लिवरेज सो विल गेट द आंसर एज वॉट ऑपरेटिंग लिवरेज तो ऑपरेटिंग लिवरेज इस तरीके से कैलकुलेट होता है वाई वी आर रिवाइजिंग द फॉर्मूलाज बिकॉज पेपर में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि छोटा सा डिटेल दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि कैल्कुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज तो इट्स वेरी सिंपल बट इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट नोइंग द बेसिक्स और फॉर्मूलाज तो दैट्स वाई वी आर मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द क्रक्स ऑफ एवरी टॉपिक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय पीबीटी क्या है फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है और ये आपका फाइनेंशियल लीवरेज हो गया और तीसरा हमारा फॉर्मूला बनता है कंबाइंड लीवरेज देखो कंबाइंड लीवरेज हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वन इज ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज ठीक है और देखो कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होता है ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा ऑपरेटिंग लीवरेज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया इधर ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ई बी आई टी देन वी हैव लर्न द फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा ई बी आई टी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड लिवरेज कंबाइंड लिवरेज इज व्हाट कंबाइंड लिवरेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल ऑपरेटिंग को अगर हम फाइनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमें कंबाइंड लिवरेज मिलता है तो देखो कैसे फॉर्मूला बनेगा देखो अभी यहां से ई कैंसिल आई यहां से ईबीआईटी कैंसिल तो आपका फॉर्मूला बनेगा कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई पी बी टी दैट इज द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड लिवरेज तो कंबाइंड लिवरेज के लिए और एक फॉर्मूला कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू contribution upon profit before tax. So this can be your formula. So three type of leverages काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखना है बहुत सारे एमसीक्यूज हमने कंसेप्चुअल बेस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं आई होप दिस पॉइंट थ्री चैप्टर्स के जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए है तो आज हमने तीन टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेशियो एनालिसिस एंड द लिवरेज अब ये कल के लेक्चर में हम और तीन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक आपका छोटा सा टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी फिर एक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा बहुत रिलेटेड है कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज के साथ तो वो हम उसी के साथ डिस्कस करने वाले है तो आपको ये दोनों सेशन जो है वो काफी हेल्प करेंगे आपके पेपर से रिलेटेड तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे जो भी आपके पॉइंट्स रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाकी के तीन टॉपिक्स के साथ थैंक यू बाय बाय टेक केयर